तो कैसे आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करनी है यूट्यूब पर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में। मैंने भी लाइव स्ट्रीम करी थी, आईफोन 12 का मैंने गिव अवे किया था उस टाइम पे, मैं लाइव स्ट्रीम करी थी और काफी सारी चीजें जानी थी कि कैसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होती है और कैसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है। अगर आपको नहीं पता लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, अगर आपको अच्छे से करनी है, दूसरी चीज की कैसे आपको सेटअप करना है यूट्यूब पर, और तीसरी चीज कि क्या क्या चीजें जरूरी है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, रिक्वायरमेंट भी है कुछ यूट्यूब की तरफ से, वो क्या चीज है, आपको क्या ऐसी चीज करनी है ताकि आप लाइव स्ट्रीम कर सको। तो वैसे यूट्यूब पर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, इस चीज को जानने के लिए कि आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, आपको जाना है youtube.com/verify, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्ट जब आप जाओगे तो आपको, अगर आपका वेरीफाई होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, और अगर वेरीफाई नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा कि आपको फोन वेरिफिकेशन करना है, आपको अपनी कंट्री डालनी है और साथ ही साथ आपको अपना फोन नंबर डालना है। अगर आप YT स्टूडियो के अंदर सेटिंग्स पर जाओगे, सेटिंग्स पर जाने के बाद नेक्स्ट चीज क्या करनी है, चैनल के अंदर जाना है, चैनल के अंदर फीचर एलिजिबिलिटी, क्या क्या फीचर अवेलेबल है, ठीक है, इसके अंदर जो नीचे आता है, अगर यहाँ पर एलिजिबल होगा तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, यहाँ पर आ रहा है लाइव स्ट्रीमिंग, तो अगर यहाँ पर एलिजिबल नहीं आ रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा है, तो एलिजिबल नहीं हो। आपको क्या करना है, सिंपल वही फोन नंबर वेरीफाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, और आपको सिर्फ चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आप फोन से करते हो अपनी लाइव, लेकिन अगर आप लैपटॉप या पीसी से करते हो तब कुछ भी सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। तो यूट्यूब पर लाइव करने के लिए एक तो आपको फोन नंबर वेरीफाई करने की जरूरत है उस चैनल से जिसमें भी आप लाइव जाने वाले हो, दूसरी चीज आपको एक अच्छी इंटरनेट स्पीड की जरूरत है, मतलब मिनिमम 3 Mbps की आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर नहीं पता कितनी स्पीड आ रही है तो स्पीड टेस्ट कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब बात करते हैं कि हमको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। वैसे तो ज्यादातर लोग OBS यूज करते हैं, अगर आपने OBS का नाम नहीं सुना, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं इससे बेटर अगर आपको बताऊं तो वो है प्रिज्म लाइव स्टूडियो। और बेटर क्यों है, ये बिगिनर फ्रेंडली ज्यादा है और उसमें ज्यादा कुछ ऐसे यूनिक फीचर है जो आपके काम आ सकते हैं OBS के कंपैरिजन में। अब मैं इसका लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्रिज्म लाइव स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट चीज क्या है, ऐसी एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होगी, आपको सिंपल से यहाँ पे पहले दो चीजें दिख रही है, दो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, इसको एक करना है, पहले इस पर क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चीजें नीचे आ रही है, अभी हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है अपने को, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। पहले आउटपुट में गए, आउटपुट में अगर आप 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो 19 यहाँ पर आपके आ जाएगा, अगर आपकी 4K डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज फ्रेम पर सेकंड कितना सेट करना चाहते हो, तो मैं रखता हूँ 29.97। 60 FPS का भी ऑप्शन होगा, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो 60 FPS भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हाई एंड PC की जरूरत है। अब नेक्स्ट चीज आती है आउटपुट में, आउटपुट में सिंपल यहाँ पर एडवांस, एडवांस पर अगर हम क्लिक करें तो काफी सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, ऑडियो ट्रैक हो गया, एनकोडर हो गया। एनकोडर अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, NVIDIA ग्राफिक कार्ड है, मेरे उसमें NVIDIA का, तो मैं इसको चूज करूँ तो X264 NVIDIA का मैंने चूज किया। इसके बाद बाकी चीजों को डिफॉल्ट रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना ज्यादातर चीजें। अगर आप क्वालिटी और इंप्रूव करना चाहते हो तो मैक्स क्वालिटी कर सकते हो, लेकिन इससे आपके फ्रेम ड्रॉप भी होंगे, जब वो स्ट्रीमिंग करेगा तो हो सकता है आपका जो सिस्टम है वो उतना ज्यादा परफॉर्मेंस ना दे पाए, तो फ्रेम ड्रॉप हो सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में आते हैं, अगर हम रिकॉर्डिंग्स में आप कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पर अपनी जो भी रिकॉर्ड करोगे, जब आप लाइव स्ट्रीम के अलावा रिकॉर्डिंग करोगे तो वो कहाँ पर सेव होनी चाहिए, तो वो कर सकते हो। बेसिक में आपको थोड़ा बताया था इसके बारे में। और नेक्स्ट चीज आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसको आपको MP4 कर देना है। MP4 फाइल होती है, वो ज्यादातर जगह पर कंपैटिबल होगी, जब भी आप एडिटिंग करोगे प्रीमियर प्रो फिल्मोरा या कहीं पर भी, तो MP4 को चूज कर लेना। अब ऑडियो के अंदर भी आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बाकी अगर आप स्टीरियो से मोनो में करना चाहते हो, ये सब चीजें करना चाहते हो, माइक चेंज करना चाहते हो, तो वो सब चीजें कर सकते हो। इसके बाद है विजुअल के पार्ट में, विजुअल में वही चीज़ है, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो या फिर डिक्रीज करना चाहते हो 720p 1080p या फिर 4K में रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। और आपको लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर वाटरमार्क में आना है, जनरल पे इनेबल वाटरमार्क को अनचेक कर देना है, मतलब वाटरमार्क नहीं चाहिए हमको प्रिज्म का। ओके करा, ओके करने के बाद अपने को नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं अपने पास, सीन्स, सोर्सेस, ऑडियो मिक्सर। अपने को सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट सीन चल रहा है हमारा, यहाँ पर आपको सोर्सेज ऐड करने पड़ते हैं, ये सेम हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जब भी आप पीसी में किसी से लाइव स्ट्रीम करोगे तो सेम होता है। सोर्सेज पे आप यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद अगर आप पूरा मॉनिटर अपना कैप्चर करना चाहते हो, पूरी स्क्रीन अपनी कैप्चर करना चाहते हो, तो मॉनिटर कैप्चर पर क्लिक करो। अगर मतलब आप गेमिंग कर रहे हो तो उसमें फुल कैप्चर होगा, पूरा मॉनिटर कैप्चर करा जाएगा आपका। इस पर क्लिक किया, ओके किया, ठीक है, इसको अगर आप कुछ नाम सेट करना चाहते हो कर सकते हो, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर इसने मेरा पूरा मॉनिटर का जो हमारी अभी हमारी स्क्रीन चल रही है वो यहाँ पर शो हो रही है, जब मैं गेम खेलूंगा तो वो दिखाई देगी लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर, ठीक है, मॉनिटर हमने कैप्चर कर लिया। अब सेकंड चीज प्लस के साइन पर गए, ऐसे ही हमको ऑडियो भी कैप्चर करनी है। ऑडियो के लिए कहें ऑडियो इनपुट, ये रहा माइक ऑडियो कैप्चर, ठीक है, ओके करा। अभी मैंने फिलहाल कोई माइक कनेक्ट नहीं कर रखा है,
तो यहाँ पर ये मुझे देगा डिवाइस कौन सा कनेक्ट करना चाहते हो, कोई माइक कनेक्टेड नहीं है तो आप जब कनेक्ट करोगे अपना माइक्रोफोन, कोई भी माइक कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हो यहाँ पर। अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो तो ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई वेबकैम नहीं है तो मैं इसको इससे खुद को शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो आप इसके थ्रू डायरेक्ट ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो, अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और उसकी जगह दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हो। इसके अलावा इसमें काफी सारे स्टिकर्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको। जैसे मैं कोई भी स्टिकर लगा के दिखाता हूँ, ये यहाँ पर स्टिकर आ रहा है। सब्सक्राइब का स्टिकर लगाना चाहते हो तो इस तरीके का स्टिकर आपको दिख जाएगा। सब्सक्राइब ऐसे स्टिकर लगा सकते हो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे करा और सेट कर सकते हो इसके वजह से किस पोजीशन पे आपको सेट करना है। जब भी आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे तो अच्छा रहेगा, सब्सक्राइब के लिए आप जब बोलोगे तो अच्छा ऐसे लाइव टाइम स्टिकर भी आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हो, म्यूजिक, ऑडियो और स्टिकर्स, पीएनजी, काफी सारी चीजें और वीडियो भी। इसके अलावा नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आप सोचो ये तो आपका गेमिंग का पैनल हो गया, जब आप गेम खेलोगे तो इस सीन को एक्टिव, इस सीन को स्टार्ट करोगे। अब हम आते हैं बाकी सीन्स पर, सीन्स कैसे काम करते हैं ये भी आपको पता चलेगा। प्लस के साइन पर अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, अब सीन टू मैं ऐड करूंगा, स्टार्टिंग ले देता हूँ मैं, ठीक है स्टार्टिंग ओके। इस पर मैं क्या ऐड करूंगा, सोर्स में गया, मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ चीज़ें लगा रखी है, वीडियो म्यूजिक कर दिया, ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो मैंने डाउनलोड कर रखी है अपने सिस्टम पर पड़ी है मेरी, मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में जब स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली तो देखने वाले को नजर आएगा स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर यूट्यूबर्स की। मैं इसको लूप पे लगा दूंगा, मैं लूप पे क्लिक करूंगा और ठीक है ओके। तो जब स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली होगी, ठीक है स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है, तो मैं इस सीन पर रहूंगा, सामने ये नजर आएगा लोगों को स्ट्रीम इज स्टार्टिंग, और जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और मैं गेम खेलने स्टार्ट कर दूंगा। अब स्टार्ट, इसके अलावा और भी सीन्स ऐड कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे प्लस के साइन पर क्लिक करूंगा, एंडिंग लिख देते हैं एंडिंग ओके। यहाँ पर मैं सोर्स ऐड करूंगा सेम, वीडियो म्यूजिक ये भी मैंने बना रखा है ऑलरेडी, स्ट्रीम एंडिंग ये रहा, लूप पे लगाऊंगा इसे एंड करते वक्त। अब जब एंड होगी मेरी स्ट्रीम तब ये नजर आएगा स्ट्रीम इज एंडिंग। इसके अलावा मैं और ऐसे सीन्स लगा सकता हूँ, ये सारे मैंने प्रीमियर प्रो के थ्रू बनाए, आफ्टर इफेक्ट के थ्रू टेम्पलेट है जो आप भी बना सकते हो। इंटरनेट पर सर्च करके टेम्पलेट सर्च कर लो, लाइव स्ट्रीमिंग टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। थोड़ी एडिटिंग करने की जरूरत है, फिर आप इसमें इंपोर्ट करके अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो अपना लाइव स्ट्रीमिंग। तो एक बार आप सीक्वेंस वाइज देखते हैं हम लोगों की कैसे चलेगा अपना, ठीक है। जब स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है तो ये आएगा स्ट्रीम इज स्टार्टिंग, इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी, इसके बाद इंट्रो रोल होगा मेरा। तो दिखाता हूं मैं आपको इंट्रो कैसे बनाया मैंने। तो ये इंट्रो रोल होगा, इसके बाद मेरी यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट होगी जहां पर मैं गेम खेलूंगा, यहाँ पे जो भी ट्यूटोरियल दूंगा, बातचीत करूंगा लाइव आकर जो भी कर रहे हैं उस वो सीन वन के पार्ट पे करूंगा। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टॉकिंग देता हूँ, अगर बात करता हूँ टॉकिंग पार्ट है ठीक है, बात करते वाला पार्ट। अब इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं डायरेक्ट एंड नहीं करूंगा, मैं अच्छे से एंड करूंगा और ये वाला सीन लगा दूंगा, स्ट्रीम इज एंडिंग। थोड़ी देर तक ये चलेगा, उसके बाद मेरी स्ट्रीम एंड हो जाएगी। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर से हमने पूरा सेटअप कर चुका है, अब यहाँ से हमें कुछ नेक्स्ट चीज करने की जरूरत नहीं है, म्यूजिक ऐड करना चाहते तो वो कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज जानते हैं कि कैसे आपको यूट्यूब के एंड से अपना लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप करना है, अपना टाइटल, अपना थंबनेल, ये सब चीजें डालनी है, फिर उसके बाद प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है। अब आपको क्या आना है, वाइट स्टूडियो के अंदर यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद तीन चीजें आएंगी, अपलोड वीडियोस, गो लाइव, क्रिएट पोस्ट, गो लाइव के क्लिक करना है। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद ऐसी विंडो आएगी, यहाँ पर क्या होगा आपको शेड्यूल करनी है अपनी स्ट्रीम, इस पर क्लिक किया, ये ऑलरेडी मेरी पुरानी स्ट्रीम है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है क्लोज किया, से यहाँ पे अपना टाइटल डाला, इसे करते हैं टेस्ट। अभी मैं इसे पब्लिक नहीं करूँगा, मैं इसे प्राइवेट रखूँगा, ये बाकी चीज़ें मैं हटाया था, ये मेरा डिफॉल्ट है। थंबनेल आपको अपलोड करना है, यहाँ से प्लेलिस्ट पे ऐड करना चाहिए प्लेलिस्ट पे ऐड कर दो, बाकी अगर आप टैग्स ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो, प्रमोशन है तो ऐड टिक कर सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज आएंगे, जो भी चीज़ सेटअप करते हो वीडियो के टाइम पे वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। यहाँ से लाइव चैट सेटअप कर सकते हो कि लाइव चैट रखना चाहते हो, लाइव चैट नहीं रखना चाहते हो। इसके बाद आता है प्राइवेसी का ऑप्शन, मैं इसको फिलहाल प्राइवेट करता हूँ, लेकिन आप अपने टाइम पे पब्लिक करना जब पब्लिक करना चाहते हो, ठीक है मैं इसे प्राइवेट कर रहा हूँ। और प्राइवेट करने के बाद इसका शेड्यूल का टाइमिंग क्या है, अक्टूबर, आज क्या अक्टूबर 20। अब यहाँ पर हमारा पूरा लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप हो चुका है यूट्यूब के एंड से, यहाँ पर आ रहा है कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट प्रीव्यू। अगर आप स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहते हो अपना सॉफ्टवेयर कनेक्ट करो, हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है, प्रिज्म। प्रिज्म आप लोगों को अब लॉग इन करना है यहाँ पर अपने उसी अकाउंट से जिससे आपका यूट्यूब चैनल है, तो मैं गूगल पर क्लिक करूंगा यहाँ पर और अपने अकाउंट से लॉग इन कर लूंगा। अब यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर, सॉफ्टवेयर में ओपन करने के बाद यहाँ पर टॉप में यूट्यूब का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक किया प्लस के साइन पर, इस पर प्लस के साइन पर उसी अकाउंट से लॉग इन किया, उसी अकाउंट को चूज करा जिससे हमारा चैनल स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमने यूट्यूब पर लाइव सेटअप कर रखा ये वाला चैनल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या करनी है, टॉप में गो लाइव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ब्रॉडकास्ट कौन सा नया सेटअप करना चाहते हो या नहीं, अब यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो पुराना मेरा टेस्ट वाला था जो मैंने यूट्यूब पर सेटअप किया है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर सेटअप कर रखा है जिसका नाम टाइटल है टेस्ट, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ब्रॉडकास्ट के अंदर,
मैं इसको चूज करूंगा, सारी जो डिफॉल्ट सेटिंग वो यहाँ पर भी आ जाएंगी, टाइटल वाइटल ये सब चीजें, प्राइवेसी मैंने प्राइवेट की थी, प्राइवेट आ रहा हो, स्ट्रीम लेटेंसी मतलब कितनी स्पीड रखना चाहते हो, जल्द बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचे सामने वाले तक जो भी वॉच करेगा, या फिर धीरे पहुंचे या फिर बहुत ही लेट पहुंचे, तो ये सब चीज़ सेट कर सकते हो। उसके बाद गो लाइव पे आप क्लिक करोगे, आप लाइव चले जाओगे। और इसमें मैं आपको वेबकैम के रिलेटेड भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। वेबकैम भी सेम तरीके से आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपने सीन क्रिएट करा कोई, उसके बाद यहाँ प्लस के सोर्सेज के अंदर प्लस में गए और उसके बाद यहाँ पर चूज करा आपका वेबकैम, ये रहा वेबकैम पे क्लिक किया, आप चाहे अपना स्मार्टफोन कनेक्ट कर लो इसके साथ, या फिर चाहे आपके पास अलग से कैमरा है तो उसको चूज कर लो, उसको कनेक्ट कर लो अपने सिस्टम से और फिर उसको वेबकैम की तरह यूज कर लो। अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करना तो डिस्क्रिप्शन में कोई वीडियो डालू, उसको वॉच करके वेबकैम की तरह अपना स्मार्टफोन यूज कर सकते हो। तो गाइज ये था हमारा तरीका यूट्यूब पर लाइव करने का, अच्छे तरीके से कैसे आपको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, आपको कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सीन्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या है, कैसे आपको ऐड करना है, सब क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के लिए। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका आंसर दूंगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए।